नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से आप सबों की हो रही होगी। इस वीडियो में अक्टूबर 2023 से संबंधित मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न बनेंगे उसका संग्रह हमने किया है। हालांकि आपको बता दूं कि 2022 या फिर 2023 जितना मंथ अब तक गुजरा है सारे का इस प्रकार का संग्रह हमने चैनल पर अपलोड किया है। मंथली करंट अफेयर्स जो सेक्शन है, जो प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाके तमाम वीडियोज को देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करें अक्टूबर 2023 की। हालांकि अभी जो मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ ये जनवरी 2024 है, थोड़ा डिले हो गया, कुछ परेशानी थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जिस प्रकार से चीजें आपको देंगे वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान रखेंगे जितना भी छूट चुका है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023, ये तीनों महीने का संग्रह आपको इस वीक मिल जाना चाहिए। मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले का आपको ऑलरेडी दिया गया, आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर मैं यहाँ पर आई बटन पे मंथली करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट का जो लिंक है दे रहा हूँ, आप वहां पर क्लिक करके वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल सेशन की शुरुआत करेंगे। जो इसका पिछला पार्ट था, जो सितंबर महीने वाला वीडियो था, वहां पर वीडियो के अंत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न था कि 37वां राष्ट्रीय खेल जो हाल ही में गोवा में आयोजित हुआ उसका शुभंकर क्या। कंप्लीट जानकारी हमने इससे संबंधित दिया था। बिहार के संदर्भ में भी हमने यहाँ पर बातें आपके समक्ष रखा था। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें 37वां राष्ट्रीय खेल यानी कि 37th नेशनल गेम्स का जो आयोजन हुआ 2023 में अक्टूबर में ये गोवा में हुआ था और उसका शुभंकर क्या था। तो शुभंकर था मोगा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। बिहार ने इस खेल में या फिर इस प्रतियोगिता में कुल 8 पदक अपने नाम किया। हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें से कोई भी स्वर्ण पदक नहीं था। अच्छा, यहां पर बात हो रही 37वें राष्ट्रीय खेलों की जो कि गोवा में आयोजित हुआ, लेकिन अगर हम बात करें 36वें राष्ट्रीय खेलों की तो ये गुजरात में आयोजित हुआ था, गुजरात के 6 शहरों में, जहां पर बिहार ने महज 2 पदक अपने नाम किए थे और दोनों के दोनों कांस्य पदक थे। तो इतनी सारी बातें फिलहाल इस प्रश्न से लेकर ध्यान रखें। हालांकि इसके अतिरिक्त हमने कई जानकारी आपको और भी दिया था। अब यहां पर आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जनवरी से दिसंबर तक का जो संग्रह है जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं के प्रश्नों को हमने शामिल किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पीडीएफ जो हमारा जो ई बुक है उसका कवर पेज है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें राज्य और केंद्र सरकार के जो भी प्रमुख योजनाएं और घोषणाएं हुई है पूरे साल भर में वो सभी हमने शामिल किया है। प्रमुख सम्मान और उपलब्धियों के बारे में इसमें हमने विस्तार से वर्णन किया है। प्रमुख आंकड़े और सूचकांक जो जारी हुए उसको भी हमने इसमें शामिल किया। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल, प्रमुख दिवस व थीम, साथ ही साथ और भी कई सारी घटनाएं जैसे कि जो बुक जो प्रसिद्ध हुए और भी कई सारे अवार्ड जो खास करके हुए उनमें जो विजेताएं घोषित हुए, क्रिकेट आदि और भी कई चीजों को लेकर, सिनेमा जगत आदि खेल दुनिया को लेकर वो चीजें हमने इसमें शामिल किया है। ये पीडीएफ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा वार्षिकांक संस्करण है जिसमें कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के बिहार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पे देखिए बिहार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तीनों घटनाओं का एकदम से विस्तृत वर्णन किया गया है। जो प्रश्न होंगे प्रश्न के नीचे उसका विस्तृत विश्लेषण होगा, आप इसको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चुमेगी। बहुत मेहनत से तैयार हुआ है, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसे डाउनलोड कीजिए या फिर आप चाहे तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर भी इस पीडीएफ को कोर्स के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये प्रश्न है कि पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में अपना एक फैसला हिंदी में सुनाया है जिससे यह खबरों में है, इससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन की यहाँ पर पहचान करना है। देखिए इसके बारे में जो चीजें लिखी गई है कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जेम्स चेमियर थे। दूसरा पॉइंट है कि वर्तमान में 44वें मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन है। इसकी स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी। 1913 में इसकी नींव चार्ल्स हार्डिंग रखा था। अब यहां पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन हमारा असत्य है। देखिए ये वाला कथन जो है ये असत्य है क्योंकि पटना हाईकोर्ट के संदर्भ में जो यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं, पटना हाईकोर्ट की स्थापना को लेकर हमने कई बार आपको बताया है कि 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना हुई, वास्तविकता ये है लेकिन यहाँ पर लिखा गया 9 फरवरी 1916।
तो यही वाला पॉइंट जो है असत्य है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इनसे संबंधित तथ्यों की हमने यहां पर चर्चा किया है कि पटना हाई कोर्ट में हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अंशुमान ने फैसला हिंदी में दिया, जो कि पटना हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी मामले की सुनवाई को लेकर हिंदी में जजमेंट दिया गया या फिर फैसला सुनाया गया। और वे जस्टिस कौन थे? तो जस्टिस अंशुमान। आपको ध्यान रखना है कि न्यायाधीश डॉक्टर अंशुमान बिहार के रोहतास जिले के निवासी हैं। 2011 की जनगणना की बात करें तो अगर हम देखें पुरुष वर्ग, महिला वर्ग या फिर दोनों मतलब सम्मिलित तौर पर, तो रोहतास जिले का जो लिटरेसी रेट था, जो साक्षरता दर था, वो बिहार में बहुत ज्यादा था, ये ध्यान रखें। अब यहां पर पटना हाई कोर्ट के बहुत ज्यादा यानी कि सर्वाधिक था, और सबसे कम जो साक्षरता दर था वो पूर्णिया जिले का था। अब यहाँ पे देखिए पटना हाई कोर्ट के बारे में अगला पॉइंट है कि वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन है, उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। अच्छा, कृष्णन विनोद चंद्रन केरल के रहने वाले हैं, संजय करोल के स्थान पर पटना हाई कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला पॉइंट है, अतिरिक्त कुछ जानकारी है, जैसे कि बिहार में अब राज्यपाल के लिए महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना। हमने ये जानकारी आपको दिया था, आपको मालूम होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए। जो अभी घोषणा हुई है कि बिहार में राज्यपाल के लिए महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं होगा, तो इसके स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वो हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। देखिए पटना हाईकोर्ट यानी कि पटना उच्च न्यायालय के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी है जो कि आप ध्यान रखेंगे। 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना हुई। नए चीफ जस्टिस यानी कि कह सकते हैं 44वें मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन है, जो आप यहाँ पर इन्हें तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं पटना हाई कोर्ट के बारे में एक अहम जानकारी है, शायद आपको कहीं देखने को मिले कि पटना हाई कोर्ट ने अब तक भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश दिया है। ये दोनों मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एक नाम है श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जो कि 6ठे मुख्य न्यायाधीश के रूप में, दूसरा नाम है श्री ललित मोहन शर्मा 24वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ये ध्यान रखेंगे पटना हाईकोर्ट ने भारत को अब तक 2 मुख्य न्यायाधीश दिया है, ये जानकारी यहां पर आपकी समझ है। चलिए इसे स्किप करते हैं, हम आगे चलते हैं। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि चीन के हांगझो में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ था। चीन के हांगझो में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ था? तो ध्यान देंगे बिहार के 5 खिलाड़ी का चयन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय टीम में, तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की चर्चा यहां पर हुई है कि एशियन गेम्स 2023 में बिहार के 5 खिलाड़ियों, जिनमें आपको ध्यान रखना, जो यहां पर हमने लिख भी दिया है, कि शैलेश कुमार जो कि पैरा हाई जंप के लिए, मोहम्मद शम्स आलम पैरा स्विमिंग, जलालुद्दीन अंसारी पैरा साइकिलिंग, श्वेता साहिर रग्बी तथा आकाश कुमार फेंसिंग के लिए। ये बिहार के कुल 5 खिलाड़ी हैं जिनका चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ था, और किस खेल के लिए, तो आपको ध्यान रखना है ये एशियन गेम्स के लिए, एक्चुअली में आपको ध्यान रखना है ये चीन के हांगझो में आयोजित हुआ था, और इसको लेकर चीजें हमने आपको पिछले वीडियो में भी जानकारी दिया था, वो तमाम चीजें हम यहाँ पर आज भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो बिहार के खिलाड़ियों का चयन, कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी चयनित हुए थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पदक तालिका की, जो एशियन गेम्स आयोजित हुआ इसमें पदक तालिका की हम बात करें, तो आपको बता दूं कि चीन ने 383 पदक अपने नाम किया, जिसमें 201 स्वर्ण पदक था। जापान 188 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि कोरिया 190 पदक के साथ इसमें तीसरे स्थान पर रहा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, ये कन्फ्यूजन मैं आपका यहाँ पर दूर कर दूँ। चलिए, थोड़ा सा इसमें इंटरप्शन हुआ, कैमरे के लेंस में थोड़ा फॉग आ गया था, तो वीडियो थोड़ा धुंधला हो रहा था। हाँ, यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे चीन में आयोजित एशियन गेम्स में, तो ये 5 जो हमने खिलाड़ियों के बारे में बताया आपको, इसमें आपको ध्यान रखना है जो एशियन गेम्स है, 19वां एशियन गेम्स और 4था पैरा एशियन गेम्स, दोनों को सम्मिलित तौर पर ये जानकारी आपको ध्यान रखना, दोनों के लिए बिहार के 5 खिलाड़ी इसमें चयनित हुए थे। अच्छा, अगला यहाँ पर पॉइंट है कि वही भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य, कुल 107 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर कोरिया, और अपना भारत 107 पदक के साथ
इसमें चौथे स्थान पर रहा। हालांकि ये जानकारी हमने दिया भी था। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, वो सूची है 2023 के लिए जो बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ उनमें ये नाम है और किस कैटेगरी के लिए, किस खेल के लिए चयनित हुए वो यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। इस तरह की चीजें एग्जाम में प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। चूंकि यहाँ पर एशियाई खेलों की बात हो रही है तो एशियाई खेलों को लेकर जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है। ये तमाम चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए एशियाई खेलों का जो उद्घाटन वर्ष है या फिर जिस वर्ष इसकी इसका उद्घाटन हुआ था वो वर्ष था 1951 और भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ये इसका पहला संस्करण था। पहला संस्करण 1951 में भारत में नई दिल्ली में आयोजित हुआ और आपको यहां से रिलेट करना है 1951 में पहला संस्करण आयोजित हुआ और भारत 51 पदक जीतकर जापान के बाद पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। कुछ जानकारी और भी है एशियाई खेलों से संबंधित कि दूसरी बार भारत 1982 में नई दिल्ली में ही एशियाई खेलों का आयोजन किया था या फिर मेजबानी किया था। तो आपको ध्यान रखना कि भारत अभी तक सिर्फ 2 बार ही एशियाई खेलों की मेजबानी किया है। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में हुई थी तथा प्रत्येक 4 वर्ष पर यह आयोजित किया जाता है। तो जो भी चीजें खबरों में रहती है बीपीएससी का आदत है अब से कुछ वर्षों से देखा गया है कि उससे मिलते जुलते प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारा अनुभव है, जो हमने 4 वर्षों से चीजें आपको दिया है, प्रश्न पत्र को मैं देखता हूं तो मुझे ये प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से चीजें हमने आपको दिया है चीजें उसी के इर्द गिर्द है। तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हमने कई बार आपको बोला है, आप हम पे भरोसा रखिए, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेस्ट मेटेरियल हम आपको देंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा 1951 में जो एशियाई खेलों का उद्घाटन हुआ था नई दिल्ली में, उस समय जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, एक जानकारी आपको दे दूं खास करके वैसे छात्रों को जो घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम, जो खास करके 17वीं बीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन में लगे हैं या फिर बीपीएससी ट्री जो थर्ड फेज है 3.0 जो कह रहे हैं आप लोग, तो उसके प्रिपरेशन के लिए बीपीएससी मेकर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। 17वीं बीपीएससी के लिए यही कोर्स है जो कि एप्लीकेशन पर बीपीएससी मेकर ऐप पर जाके आप इसे परचेज करेंगे। ध्यान रखेंगे इसमें एक ऑफर है, इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल अगर आप करेंगे BMTS70 तो यहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा अगर आप नए छात्र हैं तो यहाँ पर और भी आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ऑफर केवल 500 छात्रों के लिए, आप लोग जाएं एप्लीकेशन पर। तमाम जो मेटेरियल हमारे हैं, जैसे कि आपको बता दूं, इसमें आपको ध्यान रखना है सिलेबस आधारित नोट्स होगा आपकी प्री एग्जाम के लिए, संपूर्ण बिहार जीके का एक नोट्स हम आपको देंगे। और देखिए ये सिलेबस आधारित नोट्स में आपको सारे सब्जेक्ट के बेहतरीन नोट्स मिलेंगे जिसमें आपको आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट होगी। करंट अफेयर्स का जो वीडियो आप देखते हैं उसका पूरा का पूरा पैकेज डेली मंथली संग्रह आपको इसमें मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेगा जो कि पीडीएफ फॉर्म में होगा और साथ साथ टेस्ट फॉर्मेट में भी होगा, ये तमाम चीजें इसमें मिलेंगी। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि जो टेस्ट हमने लॉन्च किया, टेस्ट सीरीज जो लॉन्च किया है, इसमें आपको ध्यान रखना 130 से अधिक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि प्रत्येक सेक्शन से इतिहास, भूगोल, राजस्थान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, करंट अफेयर्स, इससे 15-15 सेक्शनल टेस्ट होंगे। प्रत्येक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या होगी 25 और ये सभी चुनिंदे प्रश्न इसमें शामिल होंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें फुल लेंथ टेस्ट की, जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित होगा, लेटेस्ट पैटर्न जो है उसकी संख्या होगी कुल मिला के 40 और सभी प्रश्नों का एकदम से विस्तृत एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, ठीक है, जिस प्रकार से हमने पहले भी आपको दिया है। तो यहाँ पर जो टेस्ट आपको मिलेंगे ये फ्रेश टेस्ट है, इसे आप लोग ज्वाइन कीजिए, निश्चित तौर पर आपकी प्रिपरेशन को ये बेहतर बनाएगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम की दृष्टिकोण से आपकी प्रिपरेशन का स्तर क्या है, उस आधार पर देखिए किसी भी एग्जाम को लेकर खास करके टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है और चीजें, जो भी पोर्शन आपका कमजोर है आप उसको अच्छी तरह से मतलब कर सकते हैं, अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं, उससे आपको पता चलता है कि कहाँ आपकी कमी रह गई। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के आकांक्षी जिलों में लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला अव्वल रहा। देखिए आकांक्षी जिलों की बात हुई है और पूछा गया है कि जो नवीनतम रिपोर्ट अभी आई है बिहार के आकांक्षी जिलों में लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है, यानी कि कौन शीर्ष पर रहा है। तो राइट आंसर होगा बिहार का पूर्णिया जिला। आपको बता दूं कि वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं,
ठीक है। 9 प्रमंडल और 38 जिले आप सभी को मालूम है, कई बार हमने आपको बताया है। और 9 प्रमंडल को याद रखने का भी एक ट्रिक हमने आपको दिया था, पूसा को मुंभा दंपति, पूसे पूर्णिया, सासे सारण, कोसे कोसी, मुसे मुंगेर, भासे भागलपुर, दो से दरभंगा, मौसे मगध, पोसे पटना, तीसे तिरहुत। ये इसका ट्रिक है 9 प्रमंडल को याद रखने का। और यही 9 प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की जो संख्या है बिहार में वह 38 और सबसे नवीनतम जिला है अरवल। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इन 38 जिलों में 13 जिले जो कि आकांक्षी जिलों में शामिल हैं इस वक्त। इनमें जो 13 जिले हैं वह है अररिया, बांका, औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी। लेकिन अभी नवीनतम जो रिपोर्ट आई है इसमें आपको ध्यान रखना है कि आकांक्षी जिलों में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के मामले में पूर्णिया अव्वल रहा है, जबकि इस मामले में सीतामढ़ी सबसे पीछे रहा है। ये ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। देखिए सीतामढ़ी भी आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो पूर्णिया इसमें अव्वल रहा और सीतामढ़ी इसमें सबसे निचले पायदान पर रहा। एक जानकारी यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो प्रश्न है ये अक्टूबर 2023 का है, अक्टूबर 2023 के प्रश्नों को आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये डेटा बदलते रहते हैं। प्रश्न में अगर आपको क्लियर तौर पर मेंशन किया गया हो कि अक्टूबर 2023 में जो रिपोर्ट जारी हुई, तो आप यहाँ पर देखिएगा इस चीज में कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। तो ये अक्टूबर 2023 वाला है। देखिए बिहार के अगर हम बात करें प्रमंडल और जिलों की, जो जानकारी मैं आपको दे रहा था यही वो कंप्लीट सूची है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो नवीनतम जिला की हम बात कर रहे थे ये अरवल है, और अरवल जो जिला है वो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इसको ध्यान रख सकते हैं। जो ट्रिक हमने आपको बताया था पूसा को मुंभा दंपति, आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। देखिए मैं एक बार पुनः से रिपीट कर दूं, पूसे पूर्णिया, सासे सारण, कोसे कोसी, मुसे मुंगेर, भासे भागलपुर, दसे दरभंगा, मौसे मगध, पोसे पटना, तीसे तिरहुत। तो ये ट्रिक है। अच्छा यहाँ पर देखिये पूर्णिया की बात हुई है, तो पूर्णिया के बारे में एक अहम जानकारी है जो मैं आपको अब यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिये एथनॉल प्लांट जो कि परोरा पूर्णिया में भी हाल ही में स्थापित किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, वो जानकारी यहाँ पर दी गई है कि पूर्णिया जिले के परोरा में ही भारत का पहला अनाज आधारित एथनॉल प्लांट की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। कब? तो 30 अप्रैल 2023 को। ये भारत का पहला अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट है, और आपको ध्यान रखना है इसे ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 105 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है एथेनॉल की वो 65,000 लीटर प्रतिदिन की है। एक अहम जानकारी ये भी है कि एथेनॉल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जो है भारत का वो है अपना बिहार। तो इतनी सारी जानकारी फिलहाल यहाँ से आप ध्यान रखें। बिहार की चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो बेसिक सी जानकारी है बिहार को लेकर के वो चीजें हम लोग फास्ट फास्ट में यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए बिहार की ये स्थिति को इंगित कर रहा है, ये बिहार का जो मानचित्र है आप देख सकते हैं कि उत्तर जो है उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में आपका हो जाएगा झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ भी बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश एक्चुअली इसका मतलब बोला जा सकता है, ठीक है। ये बिहार की 14वीं, और आपको बता दूं कि यहाँ से भी इस मैप से भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आप जो जानते हैं बिहार की राजधानी है पटना, तो पटना के बारे में आपसे पूछा गया था कि पटना कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो कुल मिला के 9 जिले ऐसे हैं जो कि पटना के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और एक जानकारी यह है बक्सर एक स्थान जिला है बिहार में, बक्सर में एक स्थान है चौसा, यहीं से गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है, और कटिहार जिले में एक स्थान है मनिहारी जहां से बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी छोड़ देती है। तो कुछ जानकारी यहाँ पर है। और जैसे की बात करें पश्चिमी चंपारण की, वेस्ट चंपारण की, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है, और यहीं पर एक स्थान है वाल्मीकि नगर जो की यहाँ पर बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है, और 1 नवंबर 2022 ईस्वी को यहां से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। तो ये तमाम चीजें ध्यान रखें। आप सभी जानते हैं ये बेसिक से पॉइंट है, राजधानी है पटना, पटना नगर को बसाने का श्रेय उदयन को जाता है, और पटना में सैनिक छावनी का जो निर्माण किया गया था वो अजात शत्रु के द्वारा लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए किया गया था। दूसरा है राज्यपाल, अभी वर्तमान में राजेंद्र विष्णु अवतार लेकर बिहार के राज्यपाल हैं जो कि गोवा के रहने वाले हैं, और वे फागु चौहान के स्थान पर कार्यरत हैं। अगला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्य का पक्षी है गोरैया। अच्छा प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो विश्व गोरैया दिवस मनाया गया उसका थीम था आई लव स्पैर। राजकीय पशु बिहार का पैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा,
जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, राज्य भाषा में प्रथम हिंदी और द्वितीय उर्दू है। देखिए जब बिहार और झारखंड, देखिए झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था वो ईस्वी था 15 नवंबर 2000, लेकिन उससे पहले बिहार का जो संपूर्ण भूभाग था वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बंटवारा हुआ तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था संपूर्ण भूभाग का 46% क्षेत्रफल के साथ, और बिहार के क्षेत्र में रहा था 54% भूभाग, जो कि अगर हम बात करें वर्ग किलोमीटर में तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इस समय मौजूदा स्थिति है बिहार की। ये चीज ध्यान रखें। अभी रिसेंटली बिहार का स्थापना दिवस जो मनाया गया है 22 मार्च 2023 को, ये था 111वां स्थापना दिवस, ठीक है। 111वें बिहार स्थापना दिवस का जो थीम था ये था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। लेकिन आपको 2022 वाला भी ध्यान रखना है, 2022 में जो बिहार दिवस मनाया गया उसका थीम था जल जीवन हरियाली। अच्छा 2023 वाला जो थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो बिहार सरकार की जो महात्मा गांधी योजना है 7 निश्चय योजना, जो कि 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी जो फेज वन था, हालांकि 2015 से 2020 तक वो संचालित हुआ, लेकिन 2020 से इसका फेज टू चल रहा है। तो फेज टू के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति 7 निश्चय योजना में भी एक योजना है, एक मतलब कह सकते हैं एक लक्ष्य है, तो उसी में ये निहित है, ये ध्यान रखिएगा। अब चौथा प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में 67वां राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता 2023 कहां आयोजित हुआ, जहां बिहार को 2 पदक हासिल हुआ है। देखिए 67वां राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहां हुआ है जहां पर बिहार को 2 पदक हासिल हुआ, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आपको बता दूं कि 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता 2023 से अंडर 14 एंड अंडर 17 बालक बालिका कुश्ती खेल प्रतियोगिता 3 से 7 अक्टूबर तक शमशाबाद जिला विदिशा मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे शमशाबाद मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता में बिहार को 2 मेडल प्राप्त हुआ, गोल्ड नहीं बल्कि 2 मेडल प्राप्त हुआ, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। इसमें अंडर 17 बालिका वर्ग में पहलवान माही कुमारी ने 43 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके अतिरिक्त इसी वर्ग में यानी कि अंडर 17 बालक वर्ग में पहलवान हरिशंकर कुमार ने 62 किलोग्राम वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक अपने नाम किया। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि 67वां राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता 2023 जो मध्य प्रदेश में शमशाबाद जिले में आयोजित हुआ विदिशा मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर बिहार को 2 पदक मिला, और तो दोनों के दोनों जो पदक थे वो कांस्य पदक थे, ये यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा 2 कांस्य पदक की यहाँ पर बात हुई है तो थोड़ी देर पहले ही हम आपको बता रहे थे गुजरात में जो 36वां राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हुआ था 2022 में वहां पर बिहार ने 2 कांस्य पदक अपने नाम किया था, और पदक तालिका में सिक्किम से एक स्थान ऊपर थे, यानी कि सेकेंड लास्ट स्थान पर थे सिक्किम, जो कि एक ही पदक अपने नाम किया था और पदक तालिका में अंतिम स्थान पर था। चलिए अगला यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 अक्टूबर 2023 को रवि महाअभियान 2023 की शुरुआत की है, बताएं कि निम्न में से क्या रवि फसल का सही उदाहरण है। देखिए रवि महाअभियान की शुरुआत हुई है, और प्रश्न देखिए कितना छोटा लेवल का आपसे पूछा गया है कि रवि फसल का सही उदाहरण क्या है। रवि फसल और साथ ही साथ जो कि कई प्रकार के फसल होते हैं, जायद फसल, रवि फसल और एक है खरीफ फसल, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो इसका करेक्ट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर बी, जो कि आपको ध्यान रखना है गेहूं, जौ, आलू, चना, मटर, सरसों, ये सभी आपको ध्यान रखना रबी फसल के उदाहरण है, खास करके सर्दियों के मौसम में ये फसलें मतलब कि बोई जाती है, ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये मूल रूप से मतलब सर्दियों वाले मौसम की फसल है। देखिये यहाँ पर इस चीज को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हाल ही में 13 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं, ये डेट आपको ध्यान रखना 13 अक्टूबर 2023 को रवि महाअभियान 2023 की शुरुआत की। इसके लिए रवि महाअभियान प्रचार रथों को बिहार के सभी 38 जिलों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए इस महाअभियान से किसानों को रवि मौसम से संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही साथ फसल अवशेष प्रबंधन और खेतों में पराली जलाने जो कि खास करके अनाजों के जैसे मान लीजिए धान हो गया, गेहूं हो गया, उसका जो मतलब अवशेष होता है उसे पराली कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी और पर्यावरण में होने वाले नुकसान को लेकर भी किसानों को जागरूक किया गया, ये इसका उद्देश्य था। ये चीजें रबी महाअभियान के तहत जो 13 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई है इसके तहत ये सारी बातें बताई गई।
देखिए इसमें हमारा एक अगला पॉइंट है कि इसके अलावा किसानों को चौथे कृषि रोड मैप के अलग अलग आयामों की भी जानकारी दी गई, साथ ही इससे संबंधित पुस्तिका का भी एक विमोचन किया गया। चौथा कृषि रोड मैप के बारे में हमने कई बार आपको जानकारी दिया है, इस वीडियो में भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले तीन जो कृषि रोड मैप है सफलतापूर्वक संचालित हो चुका है। चौथे कृषि रोड मैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट भी देख सकते हैं, ये 2023 से लागू है, अप्रैल में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको ध्यान रखना है इसका उद्देश्य मोटे अनाज तथा दलहन तिलहन के उत्पादन पर या फिर इसकी उत्पादकता पर जोर देना। हालांकि पहला कृषि रोडमैप 2008 में लागू हुआ था, संचालित हुआ था, और दूसरा कृषि रोडमैप 2012 में, तीसरा कृषि रोडमैप 2017 में, और चौथा अभी हाल ही में शुरू हुआ है 2023 में। अच्छा, इसकी औपचारिक उद्घाटन की बात करें, जो मुख्यमंत्री बल्कि जो राष्ट्रपति है भारत के, द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था औपचारिक तौर पर। अब यहां पर देखिए खरीफ फसल और रवि फसल के बारे में चीजें हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न जो था ये रवि फसल के ही बारे में था, ठीक है। तो रवि फसल की बात करें तो रवि फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है। इस फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। अभी हम यहीं पर बात कर रहे थे, मतलब कि ठंडे वाले दिनों में, मतलब मूल रूप से ये ग्रो करता है, ये उपजाया जाता है, ठीक है। तो इसमें इसका जो मुख्य उदाहरण है वो है गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों आदि। लेकिन वहीं पर खरीफ फसल, यहाँ पर आप एक ट्रिक भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए घर में अगर आप लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, खास करके जो जलावन होता है, जो बोलते हैं खरा है, तो कहने का सेंस यहाँ पर यह है जो खरीफ शब्द है इसमें अगर हम एक शब्द निकाले खरा, एक मतलब गर्मी को इंगित करता है, खरा है यानी कि सूखा है, तो इस चीज को आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर खरीफ फसलों को जून जुलाई महीने में बोया जाता है, यानी कि फसलों को अधिक तापमान के साथ आर्द्रता और शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, यानी कि गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे कि इसका उदाहरण है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास आदि। ये सभी ऐसे फसल के उदाहरण है जो कि ठंडे वाले प्रदेश में, ठंडे जगहों पर या फिर ठंडे क्षेत्र में, ठंडे महीनों में, ठंडे समय में ये नहीं ग्रो कर सकता है। तो ये हुआ खरीफ फसल। इसका नाम से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, पुनः आपको ध्यान रखना, खरीफ यानी खरा, खरा यानी कि गर्म, यानी कि गर्म वातावरण में ये ग्रो करेगा, ठीक है। चलिए अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए, बताएं कि बिहार में किस जाति के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि इसको लेकर एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है, कंप्लीट जानकारी हमने वहां पर दिया है, आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि यादवों की जो संख्या है वो सबसे अधिक बतलाई गई है इस रिपोर्ट में, जो जाति जनगणना के आंकड़े जारी हुए उसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें कैटेगरी वाइज तो अति पिछड़ा वर्ग 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, सामान्य वर्ग 15.52%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%। हालांकि आंकड़ों के अनुसार बिहार में 2,83,44,106 परिवार है, इसका जिक्र इस आंकड़े में किया गया है, इस रिपोर्ट में किया गया है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी वाइज था जनसंख्या उसकी चर्चा हमने किया, लेकिन अगर हम बात करें जाति के आधार पर, तो जाति के आधार पर कोई 4.2%, कुर्मी 2.8%, कायस्थ 0.60%, ये सबसे कम रहा कायस्थ। लेकिन वहीं पर जो हम चर्चा कर रहे थे सबसे अधिक यादव जाति की संख्या है, जनसंख्या है, ये 14.26%, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है। आई होप कि आप इसे ध्यान रखेंगे, और जो वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया विस्तृत जानकारी जहां पर हमने दिया है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, आप लोग चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिलहाल सातवां प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में बिहार ने किसे हराकर AIFF सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, किसे हराकर। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, दिल्ली को हराकर इस खिताब को बिहार ने अपने नाम किया, तो विकल्प नंबर ए यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए उसी चीज का जिक्र यहां पर है कि सेमीफाइनल में असम को हराने के बाद बिहार ने 10 अक्टूबर 2023 को, देखिए असम को हराया था और उसके बाद बिहार ने 10 अक्टूबर 2023 को फाइनल मुकाबले में दिल्ली को हराकर AIFF सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया।
ये काफी इंपॉर्टेंट उपलब्धि है बिहार के खेल को लेकर, बिहार के खिलाड़ियों को लेकर के ध्यान रखेंगे, पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि बिहार टीम के कप्तान थे आयुष कुमार, जो कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं। अगला पॉइंट यहां पर है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अलग होने के बाद से अब तक कभी भी बिहार की टीम इस प्रतियोगिता में अव्वल नहीं आए थे, तो यह पहली बार है 2023 में जब बिहार अव्वल आई और खिताब को अपने नाम किया है, तो इस वजह से भी ये पॉइंट VVI हो जाता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अगला पॉइंट है, वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं यह है रविंद्रन शंकरन। एक अहम जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को लेकर आपको ध्यान रखना है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में जो कानूनी मान्यता मिला वो 25 कह सकते हैं मार्च 2023 को मिला, और इसके बाद से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को जो मान्यता मिली है, जो कानूनी मान्यता मिली है, इसके बाद से बिहार के खेल और खिलाड़ियों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी घोषणा, कोई भी फैसला करने के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अब स्वतंत्र है, राज्य सरकार पर आश्रित होने की जरूरत उन्हें नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे फुटबॉल की, देखिए फुटबॉल की हम बात कर रहे थे तो फुटबॉल के बारे में कुछ जानकारी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनना एकदम से तय है, हमने कई बार आपको बताया है और कुछ प्रश्न यहाँ से पूछे भी गए हैं। आपको बता दूं कि फीफा विश्व कप 2022 जो कि आपको ये ध्यान रखना है कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसका मेजबान जो देश था वो था कतर, इसका जो आयोजन हुआ वो कतर में ही किया गया था। इसका खिताबी मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया और लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के कप्तान थे या फिर कप्तान हैं, इनकी अगुवाई में 36 साल के बाद अर्जेंटीना चैंपियन बना। अब ये आपके लिए इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंटीना तीसरी बार है जब इस खिताब को अपने नाम किया है, इससे पहले 1978 और 1986 में इस कप को अर्जेंटीना ने अपने नाम किया था। अच्छा, फीफा विश्व कप 2022 का जो आधिकारिक प्रतीक यानी कि ऑफिशियल मस्कट था वो था लाइव, ये ध्यान रखिएगा। फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई थी 1930 में। तो फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित ये तमाम जानकारी जो इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। ये तो रही बात श्रेणी वन पुरुष प्रतियोगिता के बारे में, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें फीफा महिला विश्व कप 2023 के बारे में, तो 20 अगस्त 2023 को 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक ये फीफा महिला विश्व कप का नवा संस्करण आयोजित किया गया, और आपको ध्यान रखना है इसका मेजबान जो देश था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, संयुक्त तौर पर इसकी मेजबानी किया गया, और स्पेन पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया इंग्लैंड को हराकर। और इसके तहत कुछ जानकारी, गोल्डन बूट जो कि सर्वाधिक गोल के लिए दिया जाता है, गोल्डन बॉल सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, गोल्डन ग्लव जो कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। क्रमशः ये तीनों पुरस्कार हिनाता मिजायावा जो कि जापान के, एताना बोनाटी जो कि स्पेन के, और मेरी अप्स जो कि इंग्लैंड की, इनको दिया गया। तो ये ध्यान रखें, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि जो भी छात्र एप्लीकेशन पे हमारे साथ बने हुए हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिवीजन पर्पस से वीडियो को देखिए और जो आपको पीडीएफ मिलता है उसे आप लोग एक जगह स्टोर करके रखिए, हो सके तो उसका प्रिंट जरूर कीजिए। जो हम आपको मंथली संग्रह देते हैं उसे प्रिंट करके रखेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि जब एग्जाम नजदीक होगा तो आप उस समय बेहतर तरीके से इसे रिवाइज कर पाएंगे, और एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम पीडीएफ में जो खाली जगह होता है कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट हो तो आप वहां पर नोट भी कर सकते हैं, तो ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सिर्फ वीडियो पे आश्रित मत रहिए, वीडियो को भी देखिए और नोट इसका जरूर तैयार कर दीजिए। तो नोट तैयार करने में दो तरह से आप कर सकते हैं, एक तो बात यह है कि जिनके पास बहुत ज्यादा समय है तो वो लोग चाहे तो कॉपी में खुद से नोट कर सकते हैं, और दूसरा आता है कि जो बना बनाया नोट हम आपको देते हैं तो वो तो उसकी एक अलग ही बात है, वो तो आपको बेहतर ही तरीके से मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो बात हो रही थी, अच्छा ये फीफा अंडर 20 विश्व कप के बारे में, ये अंडर 20 वर्ग के बारे में आप लोग चाहे तो इसे भी देख सकते हैं, फिलहाल हम इसे स्किप करते हुए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अर्थात सैफ प्रतियोगिता की बात हुई है, तो आपको ध्यान रखना ये अंडर 16 वर्ग के बारे में, तो इसमें भारत ने बांग्लादेश को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। ठीक है, अच्छा एक जानकारी ये भी ध्यान रखें कि श्रेणी वन की बात करें तो भारत ने कुवैत को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। ये अंडर 16 वर्ग की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो श्रेणी वन प्रतियोगिता है उसकी बात हो रही है, 9वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है भारत ने कुवैत को हराकर। अगला आठवां प्रश्न, अक्टूबर 2023 में बिहार में कहां दो दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर यानी कि TTF के उद्घाटन संस्करण का आयोजन किया गया। ये इसका उद्घाटन संस्करण था, ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2023 ये इसका पहला संस्करण था। इसका उद्घाटन अभी कहां किया गया, या फिर प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि इसका आयोजन कहां किया गया,
तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि ज्ञान भवन पटना। जो अशोका कन्वेंशन सेंटर है उसके अंतर्गत जो ज्ञान भवन और बापू सभागार है उसी में ज्ञान भवन में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। और आपको ध्यान रखें हाल ही में 7 से 8 अक्टूबर 2023 को ज्ञान भवन पटना में ये 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2023 यानी कि TTF का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री व या फिर कह सकते उप मुख्यमंत्री शाह पर्यटन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव ने पर्यटन विभाग की पुस्तक रेडी रेकनर 2.0 व पोस्टर जो है धम्म बिहार नाम से इसका विमोचन किया। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, बात हो रही यहाँ पर टूरिज्म की बिहार के संदर्भ में, तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पर शामिल किया, हालांकि ये नवीनतम डेटा कि वर्ष 2019 की तुलना में इस वर्ष राज्य में यानी कि 2023 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आने वाले पर्यटकों की संख्या 3.5 करोड़ से बढ़कर लगभग 5.75 करोड़ हो गई है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अब तक जो हमने शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है ये अक्टूबर 2023 तक का डेटा है, ये चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 3.5 करोड़ से बढ़कर हो गई है 5.75 करोड़। चलिए आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यही है अशोका कन्वेंशन सेंटर जो कि पटना में है, इसी के अंतर्गत बापू सभागार और ज्ञान भवन, ये पटना के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है गंगा नदी के किनारे वो कह सकते हैं ये स्थापित है वहीं पर। चलिए अगला नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में बापू सभागार पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का औपचारिक उद्घाटन किया गया। अच्छा, इसकी जानकारी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिया था, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी हाल ही में इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। कहां पर? तो बापू सभागार में, जो कि बापू सभागार पटना में अभी हाल ही में इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। आइए इसके बारे में आपको चीजें विस्तार से बता दें कि भारत की 15वीं व दूसरी महिला राष्ट्रपति, ऐसे तो अगर हम महिला राष्ट्रपति की दृष्टिकोण से देखें तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन ओवरऑल भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। तो इन्होंने अभी हाल ही में बिहार की पहली 3 दिवसीय दौरा किया, यानी कि पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला दौरा है, या फिर कह सकते हैं पहली 3 दिवसीय दौरा है इनका। 18 अक्टूबर 2023 को उन्होंने बापू सभागार पटना में बिहार सरकार की चतुर्थ कृषि रोड मैप को लॉन्च किया, जो कि 2028 तक संचालित किया जाएगा। हालांकि अगर हम बिहार सरकार के दृष्टिकोण से बात करें तो चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार सरकार 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 के बीच कृषि विभाग समेत 12 विभिन्न विभागों के विकास कार्यों पर करीब 1,62,268 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। कुल 12 विभागों की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये चीजें यहाँ तो फिलहाल आपको ध्यान रखना। हालांकि बिहार सरकार ने जो इसकी शुरुआत की है वो 1 अप्रैल 2023 से की थी, जो जानकारी अभी थोड़ी देर पहले भी हम आपको दे रहे थे, लेकिन औपचारिक उद्घाटन अभी हाल ही में 18 अक्टूबर 2023 को किनके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब यहाँ पे बात हो रही है बिहार के कृषि के बारे में, तो अनाजों के सर्वाधिक उत्पादन के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को अब तक 5 बार मिला है, ये कब कब मिला है वो भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, कृषि रोड मैप की जो हम बात कर रहे थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। अब बात करते हैं कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में। अच्छा, कृषि का, हाँ ये है कृषि कर्मण पुरस्कार, ये 5 बार जो बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है उसकी जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है, ये तमाम चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, कृषि कर्मण पुरस्कार जो मिलता है ये मोटे अनाज के सर्वाधिक उत्पादन के लिए दिया जाता है, जैसे कि पहली बार बिहार को चावल के उत्पादन के लिए मिला था, चावल के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए वर्ष 2011-12 में, दूसरी बार 12-13 में गेहूं के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए, तीसरी बार 2015-16 और 16-17 में मक्का के उत्पादन के लिए, तीसरी और चौथी बार एक्चुअली में, और पांचवी बार 2017-18 में गेहूं के उत्पादन के लिए। अच्छा, कृषि की बात हो रही है तो बिहार बजट जो पेश हुआ है 2023 में उसको लेकर आपको बता दूं कि 2023-24 के लिए जो बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी है उन्होंने जो बजट पेश किया, बजट का आकार क्या था, तो जो बजट था वो था 2,61,885 करोड़ रुपये का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान आप रखेंगे। तो आपको बता दूं कि इसके तहत कृषि विभाग के लिए 3,639 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया। कुल बजट का जो आकार था वो था 2,61,885 करोड़ रुपए और कृषि के लिए जो राशि का आवंटन हुआ वो था 3,639 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि बिहार एक नजर में यहाँ पर हमने कुछ चीजें आपकी समक्ष रखा है कि 15 नवंबर 2020 को
झारखंड बिहार से अलग होकर 46% क्षेत्रफल के साथ नया राज्य बना था। वर्तमान में बिहार का जो क्षेत्रफल है यह 94,163 वर्ग किलोमीटर और बिहार के लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर भूमि में 46 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जो कि राज्य में आज भी 74% लोग आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। ये नवीनतम डेटा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की कितनी प्रतिशत जो जनता है या फिर जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है आजीविका के लिए, तो 74%। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राज्य के जीडीपी में जो कृषि का योगदान है वो करीब 19 से 20% योगदान है। अच्छा, हाल ही में जारी सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की बात करें तो रैंकिंग में 10.64% वृद्धि दर के साथ अब बिहार जो है ये पूरे देश में जीडीपी के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा था। ये सारी बातें एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलरेडी हम आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में बताते हैं, यहाँ पर एक मंथली संग्रह है तो यहाँ पर भी हम आपको चीजें दिखाते हुए चलते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये पटना में है, ये क्या है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पटना में है, लेकिन इसका नाम क्या है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की बात कर रहे थे बिहार के संदर्भ में, तो जीडीपी सेक्टर में बिहार ने बीते वर्ष 2022 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। 2022-23 में बिहार की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है वो रही है 10.64%। इस लिहाज से आपको ध्यान रखना जो अन्य राज्यों से सर्वाधिक है और आपको ध्यान रखना इसमें शीर्ष स्थान पर आता। अच्छा, अगर हम बात करें बिहार के बाद अन्य दो स्थान पर कौन कौन है, तो दूसरे स्थान पर असम और तीसरे स्थान पर दिल्ली रहा। अब बिहार को यह उपलब्धि क्यों हासिल हुई, अगर इसे डीप में हम देखें तो प्राथमिक सेक्टर में काम करने के कारण बिहार को यह मुकाम हासिल हुआ। ये जानकारी हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि प्राथमिक सेक्टर में बेहतर काम करने के कारण ही बिहार को यह मुकाम हासिल हुआ है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर अगला जो पॉइंट है कि बिहार की जीडीपी में पिछले साल 10.98% की वृद्धि हुई थी और इस सूची में वह आंध्र प्रदेश और राजस्थान से पीछे था। हालांकि ये पिछला रिपोर्ट है, आप लोग चाहे तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मूल रूप से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राथमिक सेक्टर में बिहार ने जो कार्य किया उसी की बदौलत ये वृद्धि दर के साथ बिहार प्रथम स्थान पर रहा जीडीपी में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बारे में, अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में, इसे आप लोग समझिएगा। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने, इस स्लाइड को आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। देखिए, अर्थव्यवस्था की जो तीन मूल मतलब कह सकते हैं जो कह सकते हैं टाइप है जो मूल रूप से दर्शाए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें जो तीन सामान्य प्रकार है वो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने। तो अर्थव्यवस्था का यह वह क्षेत्र होता है जो कि प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, उदाहरण के लिए कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन करना आदि, यह प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। जो कि आपको ध्यान रखना, जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र होता है, इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना आदि शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। द्वितीयक क्षेत्र जो है ये वस्तुओं या उत्पादों के विनिर्माण से संबंधित है, उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण निर्माण करना, खाद निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग आधारित उत्पाद आदि इसमें शामिल है। ये हुआ द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरे क्षेत्र की हम बात करें तो तीसरा हमारा आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र सेवा प्रदाता क्षेत्र है, उदाहरण के लिए परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार आदि इसमें शामिल है। हालांकि बिहार को जो ये उपलब्धि मिला जीडीपी में पहला स्थान, वो प्राथमिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के उपलक्ष्य मिला है, ये भी यहाँ से ध्यान रखें, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसे स्किप करते हैं, आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी केंद्र सरकार की, इसके बारे में यहाँ पर हमने चीजें दर्शाया कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी 2023 में, आपको बता दूं कि दिल्ली के प्रगति मैदान में जो ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ था ये प्रतियोगिता, इसमें बिहार को पहला पुरस्कार मिला था। इंटरनेशनल एग्री हार्टी एक्सपो में 23 जुलाई 2023 को बिहार को पहला पुरस्कार मिला और यह पहला पुरस्कार बिहार को बागवानी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था और यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी थी। और एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बिहार उद्यान निदेशालय के द्वारा बिहार की चाय, मखाना और मखाना से प्रसंस्कृत उत्पाद साथ आधारित स्टॉल भी लगाए गए थे। अच्छा, यहाँ पर बिहार के मखाना की बात हो रही है तो मखाना को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। बिहार को, बिहार के जितने भी उत्पादों को जीआई टैग मिला है, हमने कई बार जानकारी आपको दिया है। चलिए, यहाँ पर फिलहाल हम इसे स्किप करते हुए आगे चलते हैं।
अच्छा, उद्यान निदेशालय भारत सरकार की एक और रिपोर्ट है, उसके बारे में चर्चा यहाँ पर दी गई, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। कई बार यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि लीची, मशरूम और मखाना तथा साथ साथ भिंडी के उत्पादन में जो बिहार है, ये देश में पहले स्थान पर है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगला है, आलू के उत्पादन में तीसरे स्थान पर, आम और शहद के उत्पादन में चौथे स्थान पर, केला के उत्पादन में देश में अब सातवें स्थान पर है भारत, बिहार। तो ये चीजें ध्यान रखिए। इस तरह के रेगुलर पोस्ट आपको फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाते हैं हमारे टीम के द्वारा। आप लोग चाहे तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, 10वां प्रश्न है कि बिहार के प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार पंडित गोविंद झा का निधन हो गया है, बताएं कि किस कथा संग्रह के लिए वर्ष 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इस कथा साहित्य का जो मतलब नाम था, कथा संग्रह का जो नाम था, ये था सामक पोती, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि ईसापुर मधुबनी बिहार के, एक्चुअली ये स्थान प्रॉपर स्थान है मधुबनी बिहार में, यहाँ के प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार पंडित गोविंद झा का निधन हो गया। वे 102 वर्ष के थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है, वे कहाँ के रहने वाले थे और किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ये चीजें पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये जो प्रश्न हमने यहाँ पर शामिल किया है, वो अच्छी तरीके से हमने इसके बारे में रिसर्च किया और यहाँ पर ये प्रश्न को डेवलप किया और आपके समक्ष यहाँ पर रखा। तो इसी मतलब रचना के लिए 1993 में इन्हें यह सम्मान मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए, उन्हें कथा, कविता और नाटक रचना में समकालीन मिथिला के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कुरीतियों को बारीकी से उजागर किया था। अपनी कथा और रचना, मतलब जो भी उनकी रचना थी, उनमें उन्होंने इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया था। एक प्रकार से देखें तो इसकी मतलब कुल मिला के कथा, कविता, रचना आदि का जो विषय वस्तु था, वो यहाँ की मतलब ये मिथिला के समकालीन सांस्कृतिक या फिर सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक कुरीतियों के बारे में ही था। ये इसका विषय वस्तु इसी के बारे में उसमें लिखा करते थे। और उन्हें सामक पोती कथा संग्रह के लिए वर्ष 1993 यानी कि 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक जानकारी यहाँ पर यह है कि उन्होंने मैथिली शब्दकोश का भी निर्माण किया, जो कि कल्याणी कोश के नाम से जाना जाता है। खबरों में है तो प्रश्न बनना स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न पूछे नहीं जा सकते, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर उनकी कुछ प्रमुख रचना की बात करें तो बसात, रुक्मणी, हरण, लौढ़ा, नाथ आदि। अच्छा, एक जानकारी आपको बता दूं कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स से जो एग्जाम आयोजित हुआ था, वहां पर करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न थे, दो ही प्रश्न हमें ऐसे मिले थे जो कि हमारे नोट से, हमारे वीडियो से नहीं थे। बाकी दो के अतिरिक्त सारे प्रश्न हमारे नोट से, हमारे वीडियो से थे। और उसमें से दो प्रश्न ऐसे थे जो कि मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर यह प्रश्न है, इसका जो प्रश्न लिखने का शैली और जो विकल्प था, वो हूबहू हमारे प्रश्न से मैच कर गया था, हूबहू। तो समझ जाइए कि कितनी बड़ी बात है, दो प्रश्न का हूबहू विकल्प भी मैच करना। प्रश्न तो मैच किया ही किया, तो विकल्प जो हम यहाँ पर खुद से बनाते हैं, खुद से आपको देते हैं, हालांकि ये सारा कंटेंट हमारा खुद का लिखा हुआ होता है, तो समझिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हो सकता है जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया गया होगा तो यहाँ पर नजर रहा होगा, यहाँ से लिया गया होगा, तो हो सकता है जल्दी जल्दी में ये विकल्प भी वे छाप दिए होंगे, मे भी ऐसा हो सकता है। चाहे वजह जो भी हो, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी। हमने इसका प्रूफ भी आपको दिया था, वो वीडियो चैनल पर अभी भी पड़ा हुआ है। तो हमने प्रूफ आपको दिया था कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि विकल्प भी मैच कर गया था। तो बखूबी आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे छात्र जो अभी सेलेक्ट सेलेक्ट हुए हैं बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में, तो बहुत सारे लोग कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं। तो आप लोग अगर कोई मुझसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं, जो खास करके जो सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए हमें कॉल, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और अगर आप लोग बोलेंगे सर हमारे वीडियोज को यूट्यूब पे पोस्ट कीजिए, तो बिल्कुल हम पोस्ट करेंगे, आपकी सफलता को और लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि आपकी जो जर्नी रही है वो कैसी रही है वो भी हम लोगों को दिखाएंगे। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो जरूर कीजिएगा, आप लोगों के वीडियोज का हमें इंतजार रहेगा, आप लोगों के कॉल का हमें इंतजार रहेगा। देखिये, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें कुछ वर्ग के लिए, जो बाल साहित्य में अगर हम बात करें, मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृतिक, उर्दू और उसके बाद नेपाली, ये कुछ भाषाओं में जो बाल साहित्य के लिए पुरस्कार दिए गए हैं, वो यहाँ पर हमने शामिल किया। कुल मिलाकर हालांकि बात करें कि बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 22, जबकि युवा पुरस्कार के लिए 20 लेखों का चयन किया गया 2023 के लिए। उनमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैथिली के लिए ओल कतरा झोल कतरा कविता संग्रह, जो कि अक्षय आनंद सन्नी की रचना है, इसको दिया गया। हिंदी के लिए कौतुक ऐप कहानी संग्रह, जो कि सुरनाथ सिंह की है। इस तरह से चीजें आप ध्यान रखिए, या एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ये सभी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में, टीचर वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है।
आपको बता दूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने आपको बताया था, जैसे कि 3200 सरस्वती सम्मान। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, ये जो सम्मान आप देख रहे हैं, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, 1951 में, 51 नहीं बल्कि 91 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित, ये भारत में दिए जाने वाले तीन सर्वश्रेष्ठ या फिर कह सकते हैं तीन सर्वोच्च सम्मान है, जो कि एक प्रकार से साहित्यिक पुरस्कार है। तो 3200 सरस्वती सम्मान जो मिला तमिल लेखिका सुश्री शिवशंकरी को उनके पुस्तक सूर्यवंशम के लिए, 32वां व्यास सम्मान प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए, 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को उनकी कृति पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए। आप यहां पर इन सभी को तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अभी रिसेंटली दिया गया, ये दामोदर मौजो को दिया गया है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, वे गोवा के रहने वाले हैं। ये तमाम चीजें एग्जाम में पूछे जाने योग्य। अगला 11वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 20 अक्टूबर 2023 तक अपने पहले बिहार दौरे पर थी, बताएं कि 2015 में वे किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। काफी इंपॉर्टेंट है, खबरों में है तो इस तरह के प्रश्न बनना स्वाभाविक है। हमने कई बार आपको बताया है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि झारखंड। अब यहां पर आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 20 अक्टूबर 2023 तक बिहार की पहली दौरे पर थे, और 18 अक्टूबर को पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का, जो कि 2023 से 2028 तक संचालित होगी, इसका औपचारिक उद्घाटन किया। अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको ये बता रहे थे। और उसके बाद 19 अक्टूबर को मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में वे भाग ली, और उसके बाद उसी दिन वह राजभवन पटना में बिहार के पीवीटीजी के सदस्यों के साथ बातचीत की, और फिर शाम को राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स पटना के पहले दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। और उसके बाद फिर 20 अक्टूबर को गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। फिलहाल ये तो रही बात 18 से 20 अक्टूबर का जो उनका दौरा था उसके बारे में डिटेल से जानकारी, लेकिन प्रश्न हमने थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर पूछ दिया कि बताएं कि 2015 में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, तो किस राज्य की, तो झारखंड की, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से संग्रह आपको, प्रश्न इस तरह से डिजाइन करके इस तरह से संग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगा, कितने भी बड़े कोचिंग में पढ़ लीजिए इस तरह का करंट अफेयर्स का संग्रह नहीं मिलेगा, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ, इनके बारे में प्रमुख उपलब्धियां हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी है एक्चुअली में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई। वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तथा देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। देखिए 12वीं राष्ट्रपति की बात करें, जो कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली राष्ट्रपति बने थे। अगर क्रम के अनुसार देखें तो ओवरऑल ये 12वीं राष्ट्रपति थी, लेकिन महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ये यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म हुआ था ये 20 जून 1958 को उड़ीसा में एक जिला है मयूरभंज, इसी के अंतर्गत यानी कि मयूरभंज के उबरपेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था, और 1997 में राजनीति में प्रवेश करने से पहले वे स्कूल शिक्षिका थे, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इनकी जीवनी के बारे में, इनकी जो मतलब स्टोरी है ये काफी दर्दनाक है, हमने एक बार पहले भी आपको बताया था, अगर आपके पास समय हो तो विकिपीडिया पे जाके द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट जरूर पढ़िएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ इनकी जीवनी है, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किन्हें बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, यहां पर आपको मैं बता दूं, बिहार केसरी पुरस्कार की बात हुई है तो इस वर्ष बिहार केसरी पुरस्कार से कुल मिला के 17 हस्तियों को सम्मानित किया गया। एक्चुअली में यहाँ पर जो राइट आंसर है, जो विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि खान सर, शारदा सिन्हा, शांति रॉय, ये तीनों विकल्प सही है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। कुल मिला के बात यह है कि 2023 में 21 अक्टूबर 2023 को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह या फिर बिहार केसरी के नाम से विख्यात जो स्वतंत्रता सेनानी जो कि श्री कृष्ण सिंह थे, उनकी 136वीं जयंती मनाई गई। कब? तो 21 अक्टूबर 2023 को। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल जो कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, इन्होंने पद्मश्री डॉक्टर शारदा सिन्हा, पद्मश्री डॉक्टर शांति रॉय, पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश, पद्मश्री सुधा वर्गीय और जाने माने शिक्षाविद खान सर को, और इसके अतिरिक्त कुल मिला के बात करें तो कुल 17 हस्तियों को बिहार के केसरी सम्मान से सम्मानित किया। जो कुछ चर्चित नाम है वो हमने यहाँ पर शामिल कर दिया, साथ ही हमने ये भी लिख दिया है
कुल 17 हस्तियों को यह सम्मान से सम्मानित किया गया। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर यह कि यह सम्मान समारोह मेडिवर्सल फाउंडेशन और बिहार इंटेलेक्चुअल फोरम की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और 2023 में बिहार के कुल 17 हस्तियों को सम्मानित किया गया बिहार केसरी पुरस्कार से। आपको मैंने बताया कि बिहार केसरी के नाम से कौन विख्यात है, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की चर्चा हुई है तो मैं आपको एक जानकारी, एक बेसिक सी जानकारी है वो आपको बता दूं। गांधी मैदान में सर्वाधिक जो झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड था वो श्री कृष्ण सिंह के नाम था, 14 बार का रिकॉर्ड। लेकिन इस रिकॉर्ड को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया है। बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड जो है वो 17 बार का रिकॉर्ड है नीतीश कुमार के नाम। अगर हम बात करें बतौर प्रधानमंत्री सर्वाधिक बार झंडा किन्होंने लाल किला फहराया, तो 17 बार फहराया जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने 16 बार और मनमोहन सिंह 10 बार। हालांकि 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी 10वीं बार तिरंगा फहराया, तो इन्होंने बराबरी कर लिया है मनमोहन सिंह का। तो ये भी चीजें यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 2023 में, ये 77वां स्वतंत्रता दिवस था। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, 76वां बोलते हैं कोई, 77वां बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये 2023 वाला 77वां स्वतंत्रता दिवस था। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अच्छा, उसी की जानकारी यहाँ पर दी गई, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 77वां स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त 2023 को आयोजित हुआ, और आपको बता दूं कि इसमें गांधी मैदान, इस अवसर पर गांधी मैदान पटना में कुल 12 विभागों की झांकी निकाली गई। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि जो 12 विभागों की झांकी निकाली गई उसमें जो प्रथम 3 पुरस्कार है वो किसे दिया गया। तो पहला पुरस्कार दिया गया कृषि विभाग को, द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो द्वितीय पुरस्कार जीविका और कला संस्कृति विभाग को संयुक्त तौर पर दिया गया, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। तृतीय पुरस्कार की अगर हम बात करें तो नगर विकास एवं आवास विभाग और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग को दिया गया। तो कुल मिलाकर तीनों विभागों के बारे में जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो अभी हाल ही में जो झांकी निकाली गई 12 विभागों की, उसके तहत ये प्रथम 3 पुरस्कार का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अच्छा, जो कुल 12 विभागों की झांकी निकाली गई, आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये कंप्लीट सूची है, आप लोग इसको देखिए समझिए। ये कुल 12 विभागों की झांकी का यहाँ पर कर सकते हैं, एक प्रकार से झांकी निकाली गई थी, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटा सा लिखा गया यहाँ पर, जगह का थोड़ा सा अभाव था, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे हम चलते हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर पद्म पुरस्कारों की जो हम बात कर रहे थे, जो बिहार केसरी सम्मान की हम बात कर रहे थे, उसके बारे में कुछ जानकारी है जो कि आपको दूं। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस वाले पॉइंट से आपके बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं। देखिए, पद्म पुरस्कार जो कि हम बात करें, अच्छा भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों की बात करें तो भारत रत्न सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण जो कि दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, इस वर्ष 2023 में भारत के कुल 106 विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 106 में से पद्म भूषण से 6 को, पद्म विभूषण से 6 को, पद्म भूषण से 9 को और पद्मश्री से 91 हस्तियों को सम्मानित किया गया। और बिहार के संदर्भ में बात करें तो 3 बिहारी को वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इनमें एक नाम है श्रीमती सुभद्रा देवी, जो कि पेपर मेसी कला के लिए इन्हें सम्मान मिला था, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। और ये हम बहुत पहले से आपको, जब से ये घोषणा हुई थी, जब से ये मतलब इन्हें सम्मानित किया गया था, तब से हम आपको रेगुलर बता रहे थे, और यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। और अगर हम बात करें श्री अनंत कुमार की, जो सुपर 30 के संचालक है, इन्हें शिक्षा के लिए और साथ साथ कला के लिए श्री कपिल देव प्रसाद को, तीनों को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर यह है कि बिहार को पहला जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था 1961 में सामाजिक कार्य के लिए अमाल शाह को दिया गया था। यह बिहार के इतिहास में पहला पद्मश्री पुरस्कार था। अब तक की जो जानकारी हमें प्राप्त है, कुल मिलाकर 70 बिहारियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए स्किप करते हैं, आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने बिहार के किस चीनी मिल से एथेनॉल के उत्पादन के लिए 168 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। देखिए, प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने बिहार के किस चीनी मिल से एथेनॉल के उत्पादन के लिए 168 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। केंद्र सरकार के द्वारा यह राशि का आवंटन किया गया है एक्चुअली में, तो इसमें जो राइट आंसर इसका है, यह है विकल्प नंबर डी, ए और बी, यानी कि सुगोली और लोरिया। तो अतः इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर ए और बी दोनों। केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के 2 चीनी मिल, जो कि सुगोली जो कि पूर्वी चंपारण में है, लोरिया जो कि पश्चिमी चंपारण में है, दोनों से बक्के और ब्रोकन राइस से एथेनॉल के उत्पादन के लिए 168 करोड़ रुपए का
राशि का आवंटन किया गया है। अब यहां पर समझिएगा, ये सुगोली जो है ये पूर्वी चंपारण में है और लौरिया पश्चिमी चंपारण में। यहीं से अगर प्रश्न बने कि ये जो मतलब कि राशि का जो आवंटन हुआ है चीनी मिल के लिए, ये सुगोली कहां पर है, तो यहां पर भी आप फंस सकते हैं। तो पूर्वी चंपारण में जबकि लौरिया पश्चिमी चंपारण में। इसके बारे में यहां पर जो राशि का आवंटन हुआ ध्यान रखेंगे, जहां से गन्ने के सीजन में 4 महीने गन्ने से और उसके बाद 6 महीने मक्का और ब्रोकन राइस के जरिए एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा और इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है इस प्रक्रिया की ये HPCL बायोफ्यूल्स को सौंपी गई। अच्छा, अगर हम अनाज से एथेनॉल के उत्पादन की बात कर ही रहे तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि पूर्णिया में एक स्थान है परोरा, तो परोरा में भारत के पहले अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट का स्थापना किया गया था जिसका उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। ये ध्यान रखिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। वही चर्चाओं का जिक्र यहाँ पर फिर से किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। एक जानकारी हमने ये भी आपको दिया था कि एथेनॉल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जो है ये अपना बिहार है, काफी इंपॉर्टेंट। चलिए 14वां नंबर प्रश्न है कि चीन में आयोजित चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुल मिलाकर एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स के लिए बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ था और किस जिले के खिलाड़ी शैलेश कुमार ने यहां पर पैरा एशियन गेम्स जो इसका चौथा संस्करण था इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया, तो रहने वाले हैं जमुई के, तो विकल्प नंबर बी यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चीन में आयोजित चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के जमुई जिले के शैलेश कुमार ने T63 वर्ग में ऊंची जंप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर देखें यहाँ पर बिहार में बिहार के खिलाड़ी की बात हो रही है तो कुछ जानकारी यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने शामिल किया है कि हाल ही में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने SAI अर्थात साई अर्थात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है और इस समझौते के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में 38 खेलो इंडिया लघु केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही एथलेटिक्स, भारतोलन एवं कुश्ती के लिए पटना में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी निर्माण किया जाएगा। ये तो रेबात इनसे संबंधित। इसके अतिरिक्त बिहार के संदर्भ में खेल को लेकर अगर बात करें तो 34वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल ही में 17 से 19 अक्टूबर 2023 को कोलकाता में आयोजित किया गया था जिसमें बिहार 28 स्वर्ण 29 रजत और 28 कुल मिलाकर 85 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। 28 कांस्य पदक कुल मिलाकर 85 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर मेजबान पश्चिम बंगाल रहा था। इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है यहीं पर इसका आयोजन हुआ था और इसमें बिहार 85 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अच्छा, बिहार के बारे में जो जानकारी हमने आपको दिया था 5 खिलाड़ियों का चयन एशियन गेम्स के लिए हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चौथे एशियन गेम्स की जो चर्चा हम कर रहे थे, तो इसमें जो पदक तालिका आप देख रहे हैं इसका सबसे पहले ये ध्यान रखिए पदक तालिका में चौथा पैरा एशियन गेम्स में पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर ईरान, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर दक्षिण कोरिया और पांचवें स्थान पर अपना भारत रहा। भारत 29 स्वर्ण 31 रजत 51 कांस्य कुल मिलाकर 111 पदक के साथ पदक तालिका में क्रमशः चाइना, ईरान, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद पांचवें स्थान पर रहा। जबकि ये तो रही बात यहाँ पर चौथे पैरा एशियन गेम्स की, लेकिन हम एशियन गेम्स की बात करें तो एशियन गेम्स में भारत का जो स्थान रहा वो चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बाद चौथा स्थान रहा और भारत ने इसमें 28 स्वर्ण 38 रजत 41 कांस्य कुल मिलाकर 107 पदक के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। आई होप कि आप इसे देख रहे हो। ये रही बात यहाँ पर 19वें एशियन गेम्स के बारे में। अच्छा, एशियाई खेलों की बात हो रही है तो एशियाई खेलों की जानकारी ऑलरेडी हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे चुके थे, इसे स्किप करते हैं। 15वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि बिहार के किस प्रसिद्ध अंकोलॉजिस्ट उसे कहा जाता है जो कैंसर रोग के विशेषज्ञ होते हैं, तो उन्हें हाल ही में स्पेन में आयोजित एशमो कांग्रेस 2023 में भाग लिया है। बिहार के कौन से प्रसिद्ध अंकोलॉजिस्ट कैंसर रोग विशेषज्ञ हाल ही में स्पेन में आयोजित एशमो कांग्रेस 2023 में भाग लिया है, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है डॉक्टर अभिषेक आनंद। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हालांकि उतनी कुछ जानकारी विशेष नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखिए ऑंकोलॉजिस्ट जो कहा जाता है कैंसर रोग के विशेषज्ञ को कहा जाता है, जहां पर खास करके जो कैंसर को लेकर नवीनतम शोध है डॉक्टर अभिषेक आनंद के वो यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किया। साथ ही साथ कैंसर के इलाज के से जुड़े नए आयामों पर यहाँ पर इस वैश्विक सम्मेलन में चर्चाएं थी, इसी पर ये आधारित था। ठीक है, दुनिया भर के इसमें ऑंकोलॉजिस्ट शामिल हुए थे जिसमें बिहार और भारत की तरफ से, एक्चुअली में देखा जाए तो बिहार से तो ये रहने वाले लेकिन भारत की तरफ से यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, ये यहाँ पर ध्यान रखिए।
16वां प्रश्न है कि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल बीते 9 महीने जो कि जनवरी से सितंबर की बात हम यहां पर कर रहे हैं, तो इसके दौरान कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जो जारी आंकड़े हैं उसके आधार पर यहाँ पर लिखा गया है। तो विकल्प नंबर है 231,000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए उसी की जानकारी यहाँ पर ली गई है, लिखी गई है कि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष या फिर इस साल 2023 में बीते 9 महीने में 231,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पुलिस सूबे में हर दिन 841 लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राज्य में गंभीर अपराध के मामले में आरोपी तथा मद्य निषेध हेतु विशेष अभियान जो कि ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, इसके लिए जिलों में वज्र टीम का भी गठन किया गया है। ये आप ध्यान रखें, ऑपरेशन वज्र के तहत सितंबर 2023 तक इस वर्ष 76,874 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। ऑपरेशन प्रहार जो है ये बिहार पुलिस से ही संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि 2022 की बात करें तो 2022 के भी आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पर इसे स्किप करते हैं, चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ जो यहाँ पर बिहार में अपराध को लेकर बात हो रही है या फिर इससे संबंधित जो प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न जो बन सकते हैं यहाँ से इस टॉपिक से कुछ है, मतलब अगर हम डीप में जाके देखें तो कुछ चीजें यहाँ पर समझेगा। हाल ही में 26 नवंबर 2022 को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। 2023 में भी मनाया गया था, 2022 में भी मनाया गया 26 नवंबर 2023 को। बिहार में 26 नवंबर 2011 से ही मद्य निषेध दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि उस समय देखिए, उस समय बिहार में शराबबंदी लागू नहीं था। बिहार में शराबबंदी जो लागू हुआ ये अहम टॉपिक है, कई बार यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी लागू किया गया था, लेकिन ये आंसर जो आप देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पर डेट देख रहे हैं 1 अप्रैल 2016, ये हर समय सही नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आंशिक शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 को लागू हुई थी, लेकिन बिहार में जो पूर्ण शराबबंदी की हम बात करेंगे तो 5 अप्रैल 2016 से लागू हुआ था, ये ध्यान रखिए। हालांकि बिहार में, बिहार के इतिहास में पहली बार जो शराबबंदी लागू हुआ था ये कर्पूरी ठाकुर के समय लागू हुआ था 1970 में। हालांकि ये सफल नहीं हो पाया, ये जो लागू हुआ था इसके 2 साल बाद ही उस कानून को भंग कर दिया गया था, ये भी ध्यान रखिए। हालांकि इस समय भी बिहार में शराबबंदी कानून लागू है 1 अप्रैल 2016 से, उस समय आंशिक तौर पर 5 अप्रैल 2016 को कुल मिला के पूर्ण रूप से ये बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन बावजूद इसके बिहार में शराब धड़ल्ले से बिक रही है। ठीक है, ये सिर्फ पेपर पे बंद है, बाकी ये बिहार में धड़ल्ले से बिक रही है, तो ये चीज ध्यान रखिए, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। फिलहाल इसी प्रति चलते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में बिहार के पर्यटन मंत्री टोक्यो जापान में बिहार पर्यटन के रोड शो में शामिल हुए, बताएं कि बिहार के पर्यटन मंत्री कौन है। देखिए इस तरह की चीजें भी पूछे जाने योग्य हैं बिहार के मंत्रियों को लेकर, खासकर के 16 अगस्त 2022 को जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ, हमने जानकारी आपको दिया था विस्तृत तौर पर, आपको याद होगा वो वीडियो अभी भी टॉपिक स्टडी के अंतर्गत चैनल पर आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट। फिलहाल यहाँ पर इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि तेजस्वी यादव, जो कि इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री। जानकारी यहाँ पर दी गई कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव 24 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक टोक्यो जापान के दौरे पर थे, जहाँ राजधानी टोक्यो में वे बिहार पर्यटन के रोड शो में शामिल हुए, जिसका आयोजन टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर टोक्यो द्वारा, टोक्यो जापान द्वारा किया गया, ये यहाँ पर ध्यान रखें। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य बिहार में बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देना है, ताकि बिहार के बौद्ध पर्यटन के साथ साथ अन्य धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों, मंदिरों, वन क्षेत्रों आदि की जानकारी दी जा सके। इसे एक प्रकार से दुनिया के सामने लाना, इसे उजागर करना, इसके बारे में यानी कि इसी को लेकर अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया, या फिर इसको बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री हैं, और उन्होंने जापान दौरे के दौरान जापान में जो भारत के राजदूत हैं सीबी जॉर्ज, उनसे उन्होंने औपचारिक मुलाकात भी किया। तो ये प्रश्न से इतनी सारी जानकारी ध्यान आपको रखना। चलिए मौजूदा समय में जो भारतीय राजदूत है, ये आंकड़े जो हमने यहाँ पर शामिल किया है 13 मई 2023 तक के आंकड़े हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अमेरिका में जो भारतीय राजदूत है ये है तरनजीत सिंह संधु, और जबकि हम बात करें ग्रीस में रुद्रेन टंडन, नेपाल में नवीन श्रीवास्तव, श्रीलंका में गोपाल बागले, सऊदी अरब में सुहेल एजाज खान, जापान में सीबी जॉर्ज, ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया, किस योजना के तहत।
देखिए इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि सात निश्चय योजना पार्ट टू के तहत। आपको हमने इसकी थोड़ी सी जानकारी अभी दिया था कुछ समय पहले, इसको हम विस्तार से देखेंगे। पहले प्रश्न का जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में सात निश्चय योजना पार्ट टू के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा की थी और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। दरअसल बिहार सरकार का लक्ष्य 2025 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का, ठीक है, ये यहां से ध्यान रखें। और सात निश्चय योजना की जो हम बात कर रहे थे, दरअसल आपको बता दूं कि सात निश्चय योजना पार्ट टू की शुरुआत हुई 2020 में। सात निश्चय पार्ट टू में नीतीश कुमार ने पहली प्राथमिकता युवा शक्ति बिहार को, बिहार की प्रगति को दिया। यही 2023 में जो बिहार स्थापना दिवस मनाया गया, 111वां स्थापना दिवस, उसका थीम था, ये ध्यान रखें। और इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कंप्यूटर प्रशिक्षण, संवाद कौशल और व्यवहार कौशल का वादा भी किया गया सात निश्चय पार्ट टू के तहत। जो सात चीजें नहीं थे इसके अंतर्गत, ये सारी चीजें भी नहीं थी। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जो हमने अभी आपको बताया था, जो सात निश्चय योजना बिहार सरकार की है, नीतीश कुमार की एक योजना है, जो कि इनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। और वास्तविकता यह है कि सच में इसमें कार्य हुआ है। कितने भी हम नीतीश कुमार की आलोचना करें, देखिए मैं किसी भी पार्टी को लेकर, चाहे वो कोई भी पार्टी, चाहे वो अगर हम बात करें जदयू, राजद, भाजपा, कांग्रेस, हम किसी भी पार्टी के, मतलब हमारे पोस्ट में भी आप लोग देखते होंगे जो हम चीजें पोस्ट करते हैं उसमें भी आपको झलकता होगा, हम किसी भी पार्टी को लेकर मतलब उनके मुरीद नहीं, जो कार्य करता है उनकी सराहना जरूर होनी चाहिए। मुझे याद है कुछ समय पहले, आई थिंक आज से 2 साल पहले, तो मैंने राहुल गांधी को बर्थडे विश किया था एक पोस्ट के माध्यम से इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो उनके बाद फिर उसके बाद आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे, तो उन्हें भी मैंने विश किया। तो बात यहाँ पर यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला जो बर्थडे विश था, जो हमने पोस्ट किया था, उसमें कुछ लोगों ने गलत कमेंट किया कि सर आप भाजपा के, मतलब बहुत गंदे तरीके से। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं पहले राहुल गांधी को ऑलरेडी विश कर चुका हूँ। तो ये चीज समझिएगा, मैं यहाँ पे इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग नीतीश कुमार को एक्चुअली में बोलते भी हैं कि इन्होंने विकास नहीं किया और ये कुर्सी कुमार हैं, बहुत बार दल बदलते रहते हैं और 8 बार, वास्तविकता यह कि 8 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, ठीक है, वो अलग बात है, उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम यहाँ पे विकास की बात करते हैं। वास्तविकता यह है कि इन क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा इससे भी और बेहतर हो सकता है, लेकिन पहले की अपेक्षा इसमें वास्तविकता यह है कि अच्छी तरह से कार्य हुआ है। मुझे याद है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी, खास करके सड़क की बात करें, स्कूल तो मतलब नामो निशान नहीं था, एकदम से पूरा बांस बत्ती का बना हुआ था, अभी आलिशान मकान है। और सड़क जहाँ पे कीचड़ हुआ करता था, खास करके बरसात के सीजन में, वहां पर एक चमचमाते हुए भी रोड है, तो वो एक विकास ही है एक तरह से देखा जाए। तो यही सब चीजों के अंतर्गत नहीं था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पार्ट वन, जो इसका फेज वन जो शुरू हुआ था 2015 में, तो इसके तहत ये चीजें निहित है। और पार्ट टू जो 2020 से संचालित है उसके तहत ये सारी चीजें संचालित है, यानी कि निहित है। और युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये इसी का ही मतलब एक भाग है और यही 2023 में जो बिहार स्थापना दिवस मनाया गया, 111वां स्थापना दिवस, उसके अंतर्गत निहित है। अच्छा, यही कोर्स है जो आप लोग परचेज कर सकते हैं, इसमें टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये प्रोमो कोड है, इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और एक्चुअली ये ध्यान रखिएगा, लिमिटेड टाइम के लिए प्रोमो कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन यह भी है, केवल 500 विद्यार्थी ही इसका प्रयोग कर पाएंगे। अगर आप नए हैं, पहली बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, तो इसमें आपको 100 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके बीपीएससी कोर्स में और साथ साथ जो टीचर वाला जो कोर्स है वहाँ पर दोनों में मतलब जो 70 बीपीएससी है और साथ बीपीएससी ट्री वाला कोर्स है, वहाँ दोनों जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की जेलों में सजा काट रहे कैदियों से अब विभिन्न उत्पाद बनाए जाएंगे जिन्हें मुक्ति ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जाएगा। ये है यहाँ पर यह प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि बिहार। इसको लेकर हमने जानकारी आपको दिया था कि प्रारंभिक चरण में बिहार के 8 सेंट्रल जेल सहित 10 जेलों में सजा काट रहे कैदियों से बड़े पैमाने पर अलग अलग सामग्रियों का उत्पादन किया जाएगा, जिनमें सरसों तेल, मसाले, डिजाइनर ड्रेस, लकड़ियों के बने उत्पाद, चप्पल, हर्बल टी, फेस मास्क, वुलन आइटम, चादर, गमछा आदि का निर्माण किया जाएगा। ये कुछ मतलब उत्पादन इसका होगा और आपको ध्यान रखना है, जेल में बने यह सभी उत्पाद मुक्ति ब्रांड के नाम से बाजार में बेचे जाएंगे।
अगला पॉइंट है, इससे संबंधित ये जो सभी उत्पाद है ये आम लोगों को सस्ते दामों पर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, जेलों में बंद कैदियों के नकारात्मक कार्यों पर भी इससे रोक लगेगी और कैदियों की कार्य कुशलता और आय में भी बढ़त होगी और जेल से छूटने के बाद वे कुशल श्रमिक के रूप में स्वरोजगार या फिर रोजगार के लिए प्रेरित होंगे। तो ये एक प्रकार का मतलब कर सकते हैं उद्देश्य, एक लक्ष्य है कि जो कैदी सजा काट रहे हैं उन्हें बेहतर जीवन प्रदान किया जाए। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए इस प्रकार की घोषणाएं अभी हुई हैं। तो मुक्ति ब्रांड के नाम से जो मतलब उत्पाद बेचा जाएगा, जो यहाँ पर निर्माण होगा वे बाजार में मुक्ति ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे, ये घोषणा हुई है। तो ये प्रश्न है कि गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता है। इसका जो राइट आंसर है यह है रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल बिहार महिला रग्बी टीम ने अपने नाम किया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा एक चीज यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे, यहाँ पर ए नहीं बल्कि बी होगा। आपको ध्यान रखना 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जा रहा है, एक्चुअली में किया गया। आयोजन की बात करें तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव गोवा में। ये इसका 37वां संस्करण था राष्ट्रीय खेलों का। बिहार के संदर्भ में बात करें जो यहाँ पर एक्चुअली में प्रश्न में हमसे पूछा गया है, तो सेमीफाइनल में महाराष्ट्र की टीम को हराकर बिहार महिला रग्बी टीम फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि फाइनल मुकाबले में उड़ीसा से हार गई जिससे बिहार को रजत पदक से संतोष करना पड़ा, ये ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त कुछ और भी जानकारी है कि गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवनर्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने झारखंड को हराकर खिताब अपने नाम किया था। और जो जानकारी हम यहाँ पर 37वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर दे रहे हैं, बात करें 36वें राष्ट्रीय खेलों की, तो इसमें जो इसका जो आयोजन था गुजरात में किया गया था। अब यहाँ पर देखिए जो बात करी 37वें राष्ट्रीय खेलों की, तो इस खेल को लेकर के या फिर किसी भी खेल को लेकर जो उसका शुभंकर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कुल मिलाकर 8 पदक अपने नाम किया और पदक तालिका में 30वें स्थान पर रहा था, ये भी चीजें आप लोग ध्यान रख लेंगे। चलिए प्रतियोगिता को लेकर जो शुभंकर जारी होता है, जो एक्चुअली में आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ आयोजित हो चुके हैं, कुछ आयोजित होने हैं, जैसे कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई 2023, इसका शुभंकर बोम्मन। यूरो चैंपियनशिप जिसे कि यूरो 24 के नाम से जाना जाता, जो कि आयोजित होना है, इसका शुभंकर टेडी वियर। 37वां राष्ट्रीय खेल, इसका जो आयोजन गोवा में हुआ, इसका शुभंकर मोगा। मोगा को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था पिछले वीडियो में, जिसकी जानकारी आज वाले इस वीडियो में हमने आपको दिया। 22वां राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंगम ब्रिटेन में 2022 में आयोजित हुआ, इसका जो शुभंकर था ये था पैरी द फुल। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो कि राजस्थान से संबंधित है, इसका शुभंकर रखा गया था शेरू। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 जो कि थाईलैंड में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर लॉर्ड हनुमान। पेरिस ओलंपिक 2024, इसका शुभंकर रखा गया ओलंपिक फ्रिज। ये कुछ ऐसे प्रतियोगिता के शुभंकर है जो कि आपसे पूछे जाएंगे निश्चित तौर पर। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है, हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है। देखिए इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि विकल्प नंबर ए स्वर्ण पदक इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 का जो आयोजन है चीन में किया गया 22 से लेकर 28 अक्टूबर 2023 तक, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और ध्वजवाहक थे अमित सरोहा और पारुल परमार। भारतीय एथलीट प्रमोद भगत ने भारत के ही नीतीश कुमार को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। प्रमोद भगत बिहार के वैशाली जिले के निवासी हैं, हालांकि वे उड़ीसा की तरफ से खेलते हैं, उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चौथे पैरा एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हालांकि अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, जानकारी हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया था, बिहार के जमुई जिले के शैलेश कुमार ने T63 ऊंची जंप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पर वही जानकारी फिर से रिपीट हमने कर दिया कि इस प्रतियोगिता को लेकर के बिहार से 5 खिलाड़ियों का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में खासकर के एशियन गेम्स के लिए और पैरा एशियन गेम्स के लिए हुआ था। ये चौथे पैरा एशियन गेम्स में भारत 5वें स्थान पर रहा। एशियन गेम्स जो कि 19वां संस्करण था, इसमें भारत 4थे स्थान पर रहा। अगला 22वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की बेटी रोशनी प्रवीण का चयन जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ था। तो ये रहने वाली है बिहार के किशनगंज के। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर। बिहार के किशनगंज जिले में एक स्थान है सिमलबाड़ी। सिमलबाड़ी गाँव की रोशनी प्रवीण का चयन जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले
विश्व युवा सम्मेलन 2023 के लिए हुआ। वे स्विट्जरलैंड में इस सम्मेलन का भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे और अपना भाषण देंगे। आपको बता दूं कि विश्व युवा सम्मेलन में मात्र 6 युवाओं का चयन किया गया पूरे विश्व भर से, जिसमें कि रोशनी परवीन भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एकमात्र प्रतिभागी होगी भारत से, जो कि संयोग की बात यह है कि यह बिहार की है, पर बिहार के किशनगंज की। बिहार में किशनगंज वो स्थान है जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है, ये यहाँ पर ध्यान रखें। और ये सम्मेलन 16 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ, ये यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए, अच्छा जेनेवा स्विट्जरलैंड की बात हो रही है तो कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। अच्छा किशनगंज की जो चर्चा हो रही थी पहले वो देख लेते हैं। तो किशनगंज जो जिला है ये बिहार के 9 प्रमंडल में से पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसका ट्रिक है अकीपुक अररिया किशनगंज पूर्णिया कटिहार, तो इसी के अंतर्गत एक जिला है किशनगंज। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय है, जो कई बार यहाँ से हमने देखा कि प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, इसका भी मुख्यालय यहाँ पर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई, इसका भी मुख्यालय यहाँ पर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो स्थापित हुआ 23 मार्च 1950 को, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये तमाम चीजें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, ये प्रश्न है कि 15 अगस्त 2023 को 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कुल 10 विभागों की झांकी निकाली गई, कितने विभागों की झांकी निकाली गई, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जानकारी हमने आपको इस पीडीएफ के बारे में दिया है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाइए इस पीडीएफ को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि ये आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर जो 70वें बीपीएससी वाला कोर्स है वहां पर भी आपको मिल जाएगा, जो करंट अफेयर्स वाला कोर्स है वहां पर भी आपको मिल जाएगा, बीपीएससी टीचर वाला जो कोर्स है वहां पर भी मिल जाएगा। आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं वहां पर ये करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज शामिल है, जहां से आप चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे बीपीएससी वाले कोर्स में जो ऑफर आया है उसके तहत आपको 130 से प्लस यानी 130 से अधिक यहाँ पर टेस्ट आपको मिलने वाले, जिसमें 40 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 90 सेक्शनल टेस्ट होंगे। आपको ध्यान रखना एक प्रोमो कोड है BMTS70 या फिर BPSC70, ये दोनों, एक तो है BPSC70 और एक और कोड है BMTS70, ये दोनों कोड का प्रोमो, ये जो दोनों प्रोमो कोड है इसका इस्तेमाल करके आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इस वाले प्रोमो कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ध्यान रखना है इसमें नए छात्रों के लिए एडिशनल डिस्काउंट भी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको भरपूर हेल्प मिलेगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा अगला जो वीडियो होगा वो बहुत जल्द आ रहा है, नवंबर 2023 से संबंधित प्रश्नों को हम लोग आपके समक्ष लेकर आएंगे और चीजें आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जाते थे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।